क्या होगी? चैप्टर का नाम है प्रीपोजिशन। ठीक है, और सबसे पहले लिखो इसकी डेफिनेशन। गर्मियों में मार के खराब नहीं होता, लेकिन सर्दियों में ना खराब हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, सब चलते नहीं है। देखो ध्यान से भाई, डेफिनेशन क्या कहता है लिखो आप लोग। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन एंड अ प्रोनाउन टू शोज इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन। प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन टू शो दिस रिलेशन विद अनदर नाउन अ प्रोनाउन। ठीक है, क्या मतलब है और ये डेफिनेशन सही है नहीं सही, ये देखते हैं हम लोग। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताता हूँ, देखता हूँ, और आप लोग बताना कि किस सही है या नहीं है। ठीक है, या उसमें डेफिनेशन फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। मैंने कहा प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, मतलब प्रेपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है और वो किसी और दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है या रिलेशन को बताता है। जैसे कि मान लो मैं कहता हूं, पहला एग्जाम्पल, टॉम केम विद जूली। ये ऐसे लिखेंगे या JULY लिख दूं, जुलाई। टॉम केम विद जूली। सेकेंड एग्जाम्पल, ही शाउटेड एट हर, ही शाउटेड एट हर। तीसरा एग्जाम्पल, देर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल, देर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल। चौथा एग्जाम्पल, वेर आर यू कमिंग फ्रॉम, वेर आर यू कमिंग फ्रॉम। पांचवा एग्जाम्पल, हु वो आई हैव नो पेन टू राइट विद, आई हैव नो पेन टू राइट विद, आई हैव नो पेन टू राइट विद। बताओ इन सब में क्या डेफिनेशन फॉलो हो रही है क्या? पहला कह रहा है टॉम केम विद जूली। ठीक है, सही है। मैंने कहा क्या, प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन, बात तो सही है ना, विच कम्स बिफोर अ नाउन अ प्रोनाउन टू शोज इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन अ प्रोनाउन। ठीक है, तो भाई टॉम केम विद जूली में विद जो है वो नाउन प्रोनाउन से पहले आ रहा है और ये रिलेशन बता रहा है किसके साथ, टॉम के साथ, तो इस वाले में तो डेफिनेशन फॉलो हो रही है। ठीक है, दूसरा वाला, ही शाउटेड एट हर, यहाँ पे जो प्रेपोजिशन है वो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आ रहा है, ठीक है ना, और किसी और के साथ रिलेट भी कर रहा है, तो दूसरे वाले में भी डेफिनेशन फॉलो हो रही है। थर्ड वाले में देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल,
यहाँ पे भी प्रेपोजिशन है जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आ रहा है, नाउन से पहले आ रहा है, टेबल एक नाउन है, ठीक है। तो देयर इज अ बॉक्स अंडर द टेबल, तो यहाँ पे भी ये प्रेपोजिशन जो है किसी नाउन से पहले आ रहा है, ठीक है। अगला, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम, ये प्रेपोजिशन है, क्या ये नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहा है? नहीं। आई एम राइड, आई हैव नो पेन टू राइट विद, ये भी एक प्रेपोजिशन है, क्या किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आ रहा है? तो सेंटेंस नंबर फोर और फाइव में तो डेफिनेशन फॉलो नहीं हो रही है, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? हाँ, लेकिन लिखना तो वर्ब है ना, ये कोई नाउन तो है नहीं, लिखना एक वर्ब है, क्योंकि काम है ना, काम जो है क्रिया होती है वो वर्ब होती है, काम है ये। हाँ जी, तो देखो एग्जाम्पल है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड में तो रूल फॉलो कर रहा है, लेकिन फोर और फिफ्थ में रूल फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें मैंने कहा था प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, तो फ्रॉम जो है किसी नाउन से पहले आ नहीं रहा और ना ही विद आ रहा है, तो क्या ये सेंटेंस गलत है? क्या ये सेंटेंस गलत है या डेफिनेशन गलत है? क्योंकि डेफिनेशन तो यही है प्रीपोजिशन की, और उसके हिसाब से तो फिर ये सेट बैठ नहीं रहा। तो ये प्रीपोजिशन को डेफिनेशन बनाने वाला जो बंदा था, ये इतना अधूरा काम कैसे करके चला गया, जो कितना बड़ा ग्रामेटेरियन रहा होगा ये अपने टाइम का। बताओ भाई, हजारों सवालों के जवाबों से अच्छा है मेरी खामोशी, लाखों सवालों की आबरू बन जाएगी। ना चलो आगे देखो, कोई बात नहीं गाइस, ना तो ये सेंटेंस गलत है और ना ही ये डेफिनेशन गलत है। पर डेफिनेशन में आपको ना एक और लाइन एडिट करने की जरूरत है। क्या लाइन एडिट करने की जरूरत है? कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन विद अनदर नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा नहीं होगा, देन प्रीपोजिशन बिकम इट्सेल्फ लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, इट्सेल्फ लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर डेफिनेशन फॉलो नहीं हुई, तो प्रीपोजिशन सेंटेंस का क्या हो जाएगा? आखिरी शब्द स्वयं ही बन जाएगा, स्वतः ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखिए फटाफट आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टेटमेंट लिख लो आप लोग ये फिफ्थ एग्जांपल के बाद। देखो एग्जांपल नंबर चार और पांच में डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है, डेफिनेशन फॉलो नहीं करता है। यदि प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आया तो वह सेंटेंस का आखिरी शब्द, प्रीपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले नहीं आया तो वह सेंटेंस का आखिरी शब्द बन जाएगा, वह सेंटेंस का आखिरी शब्द बन जाएगा। हाँ, प्रीपोजिशन जो है लास्ट वर्ड बन जाएगा, लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, ओके, द प्रीपोजिशन बिकम इट्सेल्फ द लास्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस। आगे बढ़े क्या? अब आगे की बात करते हैं गाइस, थोड़ा सा बात करते हैं गाइस सिलेबस की। आपके इस चैप्टर का सिलेबस क्या क्या है, तो लिखो आप लोग सिलेबस ऑफ प्रीपोजिशन। इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या क्या है? तो पहला पॉइंट है गाइस इसमें जो हमें पढ़ना है, व्हाई वी यूज प्रीपोजिशन,
प्रेपोजिशन की जरूरत पड़ी ही क्यों? Why we use preposition? दूसरा ellipses of preposition, ellipses of preposition, ठीक है. थर्ड काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन. चौथा व्हाट कम्स आफ्टर प्रेपोजिशन, व्हाट कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, ठीक है. और पांचवा है आपका रूल्स एंड कंफ्यूजिंग पेयर्स, रूल्स एंड कंफ्यूजिंग पेयर्स. वन बाय वन जो है ना हम इसको देखेंगे, ठीक है. ये हमारा सिलेबस है. इलिप्सिस लिख लो आप अभी मैं, ठीक है. जब अभी करवाऊंगा तो इलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन क्या होता है बताऊंगा मैं आपको. पहला व्हाई वी यूज प्रीपोजिशन, इलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, व्हाट कम्स आफ्टर प्रीपोजिशन, रूल्स एंड कंफ्यूजिंग पेयर्स. ग्रीटिंग कार्ड ना दे, मुझे भी ना दे प्लीज. वो सब कचड़े में जाता है, पैसा वेस्ट होता है. आगे बिठा दूं वो पहले बचपन में नहीं घूमते थे सर को देंगे 10 वाला सर को टाट पे फेंक देते थे, ठीक है. आप चलो भाई अब हेडिंग लिखो आप लोग, व्हाई वी यूज प्रीपोजिशन, व्हाई वी यूज प्रीपोजिशन. गाइस ध्यान से सुनना आप लोग, ही प्लेड हॉकी, एग्जाम्पल से समझते हैं. और ही प्लेड विद हॉकी, कौन सा सही है, नीचे वाला, पहला वाला, और किसी को कुछ लग रहा है? He played hockey, he played with hockey. दोनों ही ठीक है, मध्यम मार्ग, ठीक है. ये तो दोनों गलत हैं, दोनों ठीक है, मध्यम मार्ग. हाँ जी, और किसी को कुछ लग रहा है इसके अलावा? दोनों गलत वाले की कैटेगरी में कोई हो? चलो आ जाओ भाई, देखो ध्यान से, ऐसा दिक्कत हुई क्यों, आओ देखते हैं. मैंने आप लोगों को वर्ब जब पढ़ाया था, अच्छा एक बार बताओ मुझे ध्यान से सुनना. He invited me और he invited to me, दोनों ठीक है. बोलो हाँ, लग रहा होगा कईयों का, लग रहा होगा कई तो बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं तो ठीक है, जो नहीं बोल रहा बेचारे चुना, हाँ लग तो रहा है दोनों ठीक है, बेचारा बोले तो बोले कैसे, लेकिन कईयों को लग रहा होगा ठीक है, ये भी ठीक लग रहा होगा, कईयों ने बोला कईयों ने भी बोला. हाँ जी, he invited me, he invited to me. Invited to me होगा, वेरी गुड. आइए देखते हैं गाइस, सुनिए मेरी बात ध्यान से आप लोग. मैंने आप लोगों को दो चीजें बताई थी, याद करो आप लोग, क्या गाइस एक बात, अगर मैं लिखूं ही इज तो क्या कोई इसका मतलब होता है क्या? अगर मैं ही इज करके फुल स्टॉप लगा दूं तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? और इसका क्या मतलब, क्या मतलब हुआ है, क्या है, मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, नमकीन है, कैसा है, बताओ वो क्या है, ठीक है. मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं. He is का कोई मतलब नहीं है गाइस, ये जो is है ना ये अपने सब्जेक्ट के साथ मिलके कोई कंप्लीट मतलब नहीं दे रहा है, ठीक है ना. यानी इसको कोई चाहिए, ठीक है, कोई चाहिए मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए वाला, ठीक है ना, बिना उसके काम नहीं होगा.
तो ऐसे ऐसे वर्ब जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऐसे वर्ब्स जिनको क्या चाहिए, जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, हाँ जी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है ना, कहलाते हैं। लेकिन याद करो मैंने कहा था शी स्माइल्स, खत्म। इसके बाद को कुछ चाहिए नहीं, और जो आएगा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, और ये अपने सब्जेक्ट के साथ बात नहीं, प्लीज, ये अपने सब्जेक्ट के साथ मिलकर एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, शी स्माइल्स, अब इसको कुछ चाहिए नहीं, ठीक है ना, ठीक है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, शी स्माइल्स जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, शी स्माइल्स जो लिखा हुआ है, अगर तुमने इसके बाद कुछ ऑब्जेक्ट देने की हिमाकत की, मैंने बताया था इसके बारे में वर्ब में, ठीक है ना, अभी रिसेंट में तो आपका चैप्टर हुआ है वर्ब का, मैंने कहा इसके बाद अगर तुमने कोई ऑब्जेक्ट दिया तो वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, ठीक है ना, वो उसका ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा, और दे रहे तो फिर उसको जोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रीपोजिशन। ये बात मैंने आपको वर्ब में बताई थी, यहां तक बता के रोक दिया था, अब उसी बात को आगे पढ़ रहे हम लोग कि भाई अब ये क्या चीज है, जिनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए होता ना वो होता है इंट्रांसिटिव वर्ब्स। क्या होते हैं वो, जो अपने सब्जेक्ट के साथ ही ना कंप्लीट मीनिंग दे देते हैं, ठीक है। तो भाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को चाहिए क्या, ऑब्जेक्ट चाहिए, चाहिए ही चाहिए, बिना उसके काम नहीं बनेगा, और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के लिए क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से। तो अब ध्यान से सुनना आप लोग, ही प्लेड हॉकी, वह खेला, ठीक है, क्या खेला, हॉकी खेला ना, ही प्लेड हॉकी, अब कंप्लीट मीनिंग दे रहा, तो इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत, मतलब इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, ये ट्रांसिटिव वर्ब्स में कहलाएगा। और ही इनवाइटेड मी, ही इनवाइटेड, इनवाइटेड किसको, क्या इनवाइटेड, कुछ तो होना चाहिए था ना, ही इनवाइटेड के बाद कोई सेंस नहीं निकल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे भी और एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से। कहने का मतलब ये है कि प्रेपोजिशन, वाई वी यूज प्रेपोजिशन, भैया एक बात का ध्यान रखना, अभी मैं आपको जो स्टेटमेंट लिखा रहा हूँ उसके बाद ये सब लिखना आप लोग, वो ये कि गाइज कभी भी आपको अगर मिल जा रहा है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वर्ब का स्ट्रक्चर, या फिर वर्ब ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर, अगर ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है तो वहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, अगर वर्ब को उसका ऑब्जेक्ट मिल रहा है तो ट्रांसिटिव वर्ब को, ठीक है ना, तो वहां पे प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा शी स्माइल्स, यहां भी तो हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, तो ये सब्जेक्ट वर्ब का स्ट्रक्चर है तो इसके बीच में कहीं प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस तरीके से। तो एक स्टेटमेंट लिख लो आप, फिर स्टेटमेंट के बाद आप लोग ये लिख लेना, लिख लो, यदि सेंटेंस निम्न स्ट्रक्चर पे हो, यदि सेंटेंस निम्न स्ट्रक्चर पे हो, निम्न स्ट्रक्चर कौन सा, SVO, SB या VO, यदि सेंटेंस निम्न स्ट्रक्चर पे हो तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, तो प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। मैं यही बताने की कोशिश करूंगा, देखो अब हमने पढ़ा था ना प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, देखो ये नाउन ही तो है, इससे पहले तो प्रेपोजिशन आया ही नहीं, और यहाँ भी ये प्रोनाउन है, इससे पहले प्रेपोजिशन आया नहीं, तो भी ये सेंटेंस ठीक है, क्यों ठीक है, क्योंकि एस वी ओ, एस बी और वी ओ का स्ट्रक्चर लग रहा है इसमें, ठीक है ना। लिख लो आप उसके बाद ये वाले, लिख लो आप एग्जाम्पल्स, लिख लो और वो रीजन भी लिख लो ये वाले, फिर आगे बताता हूँ मैं आपको। चलो अब इसको मैं आगे आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल दे करके बिटा दो इसको फिलहाल, ये एसवीओ, एसवी और वीओ पे और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। इसको नहीं रेस कर रहा, एग्जांपल लिखो, मैंने कहा
सिंग अ सॉन्ग, दूसरा कहा ही शाउटेड, ही शाउटेड, तीसरा कहा कॉल योर फ्रेंड्स, कॉल योर फ्रेंड्स, चौथा कहा शी इज स्लीपिंग, एक बात बताओ मुझे, सिंग अ सॉन्ग में आपको पता है ये वर्ब है और वर्ब के बाद ये जो आ रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, वर्ब है, ये वर्ब है और ये वर्ब के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, मैंने तीनों का एग्जांपल दे दिया है, लेकिन किसी के बीच में प्रेपरेशन का इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि ये सारे सारे यही स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, अगर ये स्ट्रक्चर टूटेगा ना तो प्रेपरेशन का इस्तेमाल होगा। अच्छा एक बार बताओ मुझे, जैसे मान लो मैं कहता हूं गाइस ही केम हर, लिख दिया मैंने, ठीक है ही केम हर, अब तुम्हें पता है क्या, ध्यान से सुनना, ये तो सब्जेक्ट है, ये क्या है, तो क्या इनके बीच में प्रेपोजिशन आएगा, नहीं, ठीक है, और ये जो दिख रहा है आपको प्रोनाउन, एक्चुअल में ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि एक बात होता ये तो इसका कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ही केम वो आया, तो बेसिकली कौन सी वर्ब हो गई, ट्रांसिटिव वर्ब हो गई, अब सॉरी इनट्रांसिटिव वर्ब होगी ना, इनट्रांसिटिव वर्ब हो गई, अब इनट्रांसिटिव वर्ब को तुम अगर एक व्यवस्थित ऑब्जेक्ट देना चाहते हो तो हम इसको जोड़ेंगे किससे, प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे, है ना, तो आपको पता है यहां पे एक प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा, विद आ सकता है, विदाउट भी तो आ सकता है, है ना, बिसाइड्स भी तो आ सकता है, ठीक है ना, बिफोर आ सकता है, आफ्टर आ सकता है, हाँ कि ना, तो देखिए ये वर्ब ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस नहीं है इसलिए हमें प्रीपोजिशन आएगा, और हमने चूंकि बचपन से पढ़ा था कि ही केम विद हर, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, इसलिए हम बचपन से क्या भरते आ रहे थे, विद भरते आ रहे थे, लेकिन जहां पे एक प्रीपोजिशन आ सकता है वहां पर अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्रीपोजिशन आ सकते हैं, जैसे कि आपने कभी पेपर अटेम्प्ट किया होगा ना, तो एक पैसेज सा आता है पेपर, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, पैसेज होता है, उसको क्लोज टेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना, वो क्लोज टेस्ट में ना, अब ये लिखा हुआ मान के चलो और तुमने पढ़ा नहीं, यह पढ़ा सीधा ऑप्शन पढ़ा, अच्छा फिर अच्छा लग रहा, फिर भर दिया, लेकिन भाई वो उसके साथ आया, उसके बगैर आया, उसके बाजू से आया, उसके पहले आया, उसके बाद में, ये तो आगे की स्टोरी पढ़ोगे तब तो पता चलेगा ना, उस कहानी में जो उस कहानी में फिल इन द ब्लैंक्स होता है वो उसके स्टोरी के कॉन्टेक्स्ट पे आता है, यानी जहां पे एक प्रीपोजिशन आ सकता है वहां पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग प्रीपोजिशन आ सकते हैं, जैसे मान लो मैं कहता हूं शी रन्स, वो भाग गई, डैश हिम, ठीक है, तो क्या भरेंगे, क्या भरेंगे, उसके साथ भाग गई, ठीक है ना, पहले यही पूछना चाहिए था, क्योंकि बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, या वो भागी, कोई भाग गया, मतलब कि नारी शक्ति नाराज ना हो, ठीक है, विदाउट भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है, कि वो उसके पहले ही भाग गई, बेचारा बस स्टैंड पे इंतजार कर रहा था अशोक चौक पे, ठीक है ना, वो पहले निकल गई, ठीक है, बहुत जरा भाई तू, आफ्टर भी हो सकता है, उसके बाद भागी, ठीक है, उसने बोला अगर रुक जा तू दूसरे का नंबर है, ठीक है, आफ्टर हो गया, बिफोर हो गया, विदाउट हो गया, बिसाइड्स हो गया, वो उसके बाजू से भागी, है ना, है ना, बिफोर वाले केस में तो ऐसा लगता है काट के भागना, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ा, डिसाइड्स हो गया हमारा, अच्छा इसके अलावा और क्या हो सकता है, रन ओवर हो सकता है, ठीक है, कुचल के भाग गई, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ये सारे के सारे हैं, इसको लिखो आप लोग, पहले तो ये लिख लो आप लोग, फिर मैं उसका स्टेटमेंट लिखवा दूंगा आप लोगों को, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, अभी मैं बोलूंगा तो लिख लेना आप लोग, ठीक है, बोलू क्या,
बोलो, लिखिए आप लोग स्टेटमेंट, लिखो लिखो यदि सेंटेंस, यहां पे लिख लो ना, यदि सेंटेंस एसवीओ एसवी या वीओ, एसवीओ एसवी या वीओ का इसके स्ट्रक्चर पर नहीं है, के स्ट्रक्चर पर नहीं है तो जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है। तो जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है, जोड़ने के लिए प्रेपोजिशन की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आप लोग ये एग्जांपल लिख लो, डैश वाला डैश वाला, ठीक है। प्रेपोजिशन को प्रीपोजिशन पढ़ा है, प्रेपोजिशन पढ़ते हैं भाई, प्रे पढ़ते हैं, प्रेपोजिशन प्रीपोजिशन पढ़ते हैं। आगे बढ़े, अगला स्ट्रक्चर है गाइस, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट, हिज फ्रेंड्स द गार्डन, लिख लेंगे बेटा तू, ऊपर वाले में डालू, गार्डन द मॉर्निंग, ठीक है। नीचे वाले में डालू, हाँ चलो देखो भाई सुनो, अगला एग्जांपल कह रहा है गाइस का, ही वाज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड्स इन द गार्डन द मॉर्निंग। अब ध्यान से सुनना आप लोग गाइस, आपको पता है क्या, ध्यान से सुनना, ये तो है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, तो क्या इनके बीच में कहीं पे प्रेपोजिशन की आवश्यकता है क्या? नहीं। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, बिल्कुल करेक्ट लिखा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है गाइस, कंपटीशन में ना, जो ये सरकारी नौकरी की तैयारी करे उसमें ना, ये जो ऑब्जेक्ट है बेसिकली, या तो ये नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता है ये बेसिकली या तो नाउन होगा या क्या होगा, प्रोनाउन होगा, नाउन मान लेते हैं। और आपको पता है क्या गाइस, ये भी क्या है कि नाउन ही है, ठीक है। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो क्या ये एसवी का स्ट्रक्चर है, क्या एसवीओ का स्ट्रक्चर है, क्या वीओ का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई वर्ब तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, एक क्या आएगा, प्रेपोजिशन आएगा, क्या आएगा, विद, ठीक है ना, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट विद हिज फ्रेंड, लेकिन जैसे हम देखते ना फ्रेंड्स, अरे विद होगा, जज्बातों में बह जाते हैं, तो क्लोज टेस्ट में वहीं पे बस जाते, सर मेरे क्लोज टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे, ठीक है ना, कितना पढ़ रहा हूँ एडिटोरियल तो भी नहीं आ रहे, ठीक है, सोचो उनके पढ़ के एडिटोरियल यहाँ पे तो पढ़ना शुरू ही नहीं किया एडिटोरियल, है ना। आओ चलो देखो गाइस, अच्छा ये क्या आपका, ये भी क्या है, एक नाउन है, फिर दो नाउन को कनेक्ट करो, यहाँ पे क्या आएगा, इन द गार्डन, है ना, या आउटसाइड द गार्डन, बिसाइड द गार्डन, है ना, बिफोर द गार्डन, गार्डन से पहले, हाँ नियर बाय गार्डन, अच्छा ये भी क्या है, एक ये क्या पता, ये एक्चुअली है तो एडजेक्टिव, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम एक्चुअली, ठीक है, तो यहाँ भी ये भी क्या, स्ट्रक्चर तो है नहीं, ये तो यहाँ भी हमें क्या चाहिए, एक इन द मॉर्निंग, आफ्टर मॉर्निंग, बिफोर मॉर्निंग, समझ में आ रहा है आपको, यानी जहां जहां एस वी ओ का स्ट्रक्चर नहीं मिला वहां वहां क्या चाहिए हमें, एक प्रेपोजिशन चाहिए, लेकिन प्रेपोजिशन कौन सा आएगा ये कंटेक्स्ट बताएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। अगला एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, मान लीजिए मैं कहता हूं नो पार्ट, नो पार्ट दिस बुक, नो पार्ट दिस बुक हैज बीन पब्लिश्ड, हैज बीन पब्लिश्ड। अब इसको जरा ध्यान से देखना आप लोग, ये पूरा का पूरा ना एक सब्जेक्ट है गाइस, ठीक है, यानी नाउन है,
ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा एक वर्ब है, तो एक बार बता मुझे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या प्रेपोजिशन की जरूरत है? नहीं है, तो यहां तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ना, इसको भी कई हिस्सों में बांटा जा सकता है। जैसे कि देखो नो पार्ट, ये भी एक नाउन हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन हो जाएगा। तो दो नाउन को जोड़ने के लिए फिर यहाँ पे क्या चाहिए? प्रेपोजिशन चाहिए। आप यहाँ पे क्या लगा हूं? नो पार्ट ऑफ दिस बुक, नो पार्ट फ्रॉम दिस बुक, ठीक है ना। इस तरीके से कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जहां पे एक प्रेपोजिशन आ सकता है, वहां पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कई प्रेपोजिशन आ सकते हैं। और यहाँ पे एसवीओ, एसवी और वीओ का स्ट्रक्चर वहां तो आएगा ही नहीं, ठीक है। इसको लिखो, फिर एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिखवाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये दूसरा एग्जाम्पल था। स्टेटमेंट लिख लीजिए, लिखिए, लिखो लिखो, जहां पर एक प्रेपोजिशन आ सकता है, जहां पर एक प्रेपोजिशन आ सकता है, वहां पर अलग अलग कंटेक्स्ट में, वहां पर अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग प्रेपोजिशन आ सकते हैं, अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग प्रेपोजिशन आ सकते हैं। ठीक है, ओके, इसको मिटा रहा हूं मैं। अब आप लोग जरा बताना मुझे, एक सेंटेंस दे रहा हूं, मैंने कहा, ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने कहा ही केम लेट यस्टरडे। अभी कुछ लिखना मत, सिर्फ बताओ। देखो ये सब्जेक्ट है और ये क्या है? वर्ब है। और आपको पता है ये लेट यस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। बहुत सही भाई, बहुत सही, आप लोगों ने बताया, बहुत खुशी हुई मुझे, क्योंकि हमसे को मुझे नहीं ये क्या है, हमारे पल्ले नहीं पड़ता था क्या है, ठीक है ना। एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो एक बार बताओ मुझे, ही केम, वो आया, ये ट्रांजिटिव वर्ब, ये पूरा मीनिंग दे रहा है अपने आप में, इसको किसी ऑब्जेक्ट की तो जरूरत है नहीं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है, सॉरी इनट्रांजिटिव वर्ब है, मैं खुद पसंद हो जाता हूँ, इनट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद क्या नहीं चाहिए हमें? तो चाहिए नहीं, लेकिन तुमने यहाँ पे तो डाल दिया है, तो यहाँ पे एक प्रेपोजिशन तो आएगा ना, आना चाहिए रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि भाई इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद एक अगर कुछ आया हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे प्रेपोजिशन आएगा, तो क्या लगाऊं, आएगा कि नहीं आएगा? ही केम लेट यस्टरडे, नहीं, कम्स को करोगे, केम लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, पास्ट में ये। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखो इसको तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, तुमने यहां पे लिखा है तो ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। स्टिल वी आर नॉट यूजिंग एनी प्रेपोजिशन एंड दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये सेंटेंस सही है, यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आया तो भी तो रूल फॉलो नहीं हो रहा है इसका यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नहीं हो रहा, ध्यान से सुनना आप लोग, कि मैंने आपको एक बात बताई थी, अभी मैं आपको स्टेटमेंट, ये एक्सेप्शन है एक तरह से, ठीक है। क्या एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो, चलो मैं कहता हूँ एसवीओ का स्ट्रक्चर, देखो किसी भी सब्जेक्ट और वर्ब के बाद अगर दो चीजें हैं तो यहाँ पे प्रेपोजिशन नहीं आएगा, क्या? या तो उसका ऑब्जेक्ट हो तो एसवीओ का स्ट्रक्चर फॉलो हो जाएगा, या फिर एडवर्ब हो, क्या हो, तो भी प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब की बात हो रही है, ठीक है। देखो ट्रांजिटिव के बाद तो वैसे भी ऑब्जेक्ट आता तो बात ही खत्म, वहां तो कोई प्रेपोजिशन की वैसे जरूरत नहीं, जरूरत तो यहाँ पे इनट्रांजिटिव की बात लगनी है ना, ठीक है। तो इनट्रांजिटिव के बाद या तो इसका ये कौन सा वर्ब होगा, इनट्रांजिटिव वर्ब होगा, ठीक है। तो उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इंट्रांसिटिव मत लिखो, ठीक है, एसवी एस एस लिख लो, बस एसवी लिख लो सब्जेक्ट वर्ब का। अगर या तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा, या फिर एडवर्ब आएगा तो प्रेपोजिशन नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन लिख लो आप लोग हेडिंग में, और एक रूल लिख लो, मैं आपको लिखवा देता हूँ। पहले ये वाला एग्जाम्पल लिख लो ना, ही केम लेट यस्टरडे, यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा नीचे, स्टेटमेंट
आपको पता है दो वर्ड होते हैं ना, एक कंप्लेन सुना आप लोगों ने, कंप्लेन कंप्लेन होता है, और एक एक किसी अंडी के मुझसे बोला कंप्लेंट कर दूंगी, कंप्लेंट एक कंप्लेंट भी होता है। आपको पता है ये कंप्लेंट ना नाउन होता है, और ये कंप्लेंट क्या हो जाता है वर्ब, यानी ये सब्जेक्ट बनेगा और ये बनेगा वर्ब, ठीक है ना। चलिए स्टेटमेंट लिख लीजिए यहाँ पे इस एग्जांपल का रिगार्डिंग, क्या देखो देखो ऊपर सेंटेंस में लेट एक एडवर्ब है, लेट एक एडवर्ब है, ठीक है। आगे लिखो किसी वर्ब के बाद, किसी वर्ब के बाद बिना प्रेपोजिशन, किसी वर्ब के बाद बिना प्रेपोजिशन, या तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, या तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, या फिर एडवर्ब आएगा बिना प्रेपोजिशन। बिना प्रपोजिशन या तो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट आएगा या फिर एडवर्ब आएगा, और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने जो पढ़ा था अभी तक क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था ना भाई, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, या तो एस वी ओ होगा या एस वी होगा या वी ओ होगा। अब एक और जोड़ना है, एस वी होगा या और क्या होगा, एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। हाँ ये लिखना तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, सब मैटर नहीं करता, ये भी सेम चीज है। आगे बढ़े, मिटा दो उसको, अब आगे की बात करते हैं। इसी में थोड़ा सा और क्या, एक बात बताओ मुझे, मान लो मैं कहता हूं स्लीप की सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है, ही स्लेप्ट, स्लेप्ड नहीं लिखा मैंने कहीं, सोचो कंफ्यूज, ठीक है। ध्यान सुना, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो आपको पता है ये तो एक इंट्रांसिटिव, क्योंकि स्लीप का होता सोना होता है, सुलाना नहीं होता है, तो ये अपने साथ कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये इंट्रांसिटिव हो गया, इसके ऑब्जेक्ट की जरूरत है नहीं, लेकिन तुमने लगा दिया है। अब जब लगा दिया तो इसको जोड़ने के लिए क्या चाहिए, एक वो उसके साथ सोया, वो उनके साथ सोया है ना, तो ही स्लेप्ट विद देम बोलूंगा, या फिर विदाउट देम बोलूंगा, या बेसाइड देम बोलूंगा, है ना, इस तरीके से, या कुछ भी बोल सकता, आफ्टर देम बिफोर देम कुछ भी बोल सकता हूं। लेकिन गाइस जब आप यहां पे एक प्रेपोजिशन लगा देते हो तो एक्चुअल में इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को आप पता है क्या बना देते हो, एक्चुअल में आप इसे बना देते हो एक एडवर्ब, ठीक है ना। यानी जब आपने इसको, अब पेपर में पता क्या आएगा, सीडीएस के एग्जाम में ना एक 10 नंबर का मैंने बताया था ना आपको, क्या आता है आइडेंटिफिकेशन, क्या आता है पार्ट ऑफ स्पीच का, कि अंडरलाइन करके पूछेगा कि बताओ कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है। अभी सीडीएस का फॉर्म शायद आउट भी है, एनडीए का भी आउट है, ठीक है, जो लोग इलिजिबल होते हैं ना 19 साल लास्ट एज होती है इसकी, शायद 19 साल लास्ट एज होती है, ठीक है, उस हिसाब से आप लोग वृद्धावस्था में आ चुके होंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, एयरफोर्स और एनडीए की 19 साल लास्ट एज होती है। कल मेरे मामा जी का लड़का, कल परसों नहीं अभी कुछ दिन पहले ही मैंने देखा, बताया था ना उसके बारे में मैंने, मरून कमांडो का उसको वो मिला बैच, ठीक है, उसको इतना टॉर्चर करते थे ना कि फोन कर कहते थे कि भाग जाऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली वो सर्वाइव कर गया,
उसका फोटो वगैरह सब कुछ, बैच वगैरह सब कुछ, मरून टॉप भी देखी ना आप लोगों ने, उस कैटेगरी में आ गया, उसका लेवल अप हो गया है। मैंने ना यहाँ पे उसको फूटा ही मिलता था, ये हड्डियां दिखती थी यहाँ की, ऐसे 400-400 जब डिप्स मारता था, ठीक है। मतलब हर किसी को दूसरे की जिंदगी अच्छी लगती ना, उसको किसी और, हमें से हमारी जिंदगी अच्छी लगती, हम यहाँ पे 20,000 कमा रहा है वो ठीक है, उसके हिसाब से वहां पे 50,000 कमा रहा है वो सही नहीं है, समझ रहे आप लोग इस चीज को, क्योंकि वहां पे मेहनत ज्यादा, उसको हर किसी को दूसरे का ज्यादा लगता है हमेशा, है ना। अब ध्यान से सुनना, तो यूपीएससी में क्या पूछता है गाइस, कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के आगे आपने लगा दिया एक प्रीपोजिशन, तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा एडवर्ब। मान लो ये सवाल आया, मान लो उसने वहां पे विद लगा के दिया आपको, ही स्लेप्ट विद देम, और अंडरलाइन करके पूछा पार्टिसिपल्स में क्या है बताओ, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब एडवर्ब है, ये एडवर्ब कहलाएगा पूरा का पूरा। तो वी एक्चुअली यूज अ प्रीपोजिशन बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन टू मेक इट एडवर्ब, समझ में आई बात आपको। चलिए इसको लिख लीजिए फिर एक और स्टेटमेंट, बोलो स्टेटमेंट, अब जैसे इसी को ले लेते हैं, एक और एग्जांपल दिखाता हूं मैं आपको, ही केम डैश हिज फ्रेंड्स, मैंने कहा ही केम डैश हिज फ्रेंड्स, यहां पे क्या लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं ना प्रीपोजिशन, मैं चलो विद ही लगा लेता हूं, तो जब विद लगा दी तो पूरा पूरा क्या बन गया भाई, एडवर्ब बन गया, पूरा का पूरा क्या बन गया, एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन से आगे प्रीपोजिशन अगर आ रहा तो क्या बन जाता है, एडवर्ब। लिखो आप लोग, इसको भी लिख लो फिर लिख लेना, इसको भी लिख लो फिर लिख लेना, बोलो बोलो क्या लिखिए, एक नाउन या प्रोनाउन के पहले, एक नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रीपोजिशन लगा देने से, प्रीपोजिशन लगा देने से हम एक्चुअली में इसे एडवर्ब बना देते हैं, हम एक्चुअली में इसे एडवर्ब बना देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो ये था व्हाई वी यूज अ प्रीपोजिशन, ठीक है। आगे बढ़े, मिटा दो इसको। अब गाइस नेक्स्ट लिखो आप लोग हेडिंग एलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन, क्या लिखोगे एलिप्सिस। अब आप सोच रहे हो ये वर्ड क्या लिख रखा है चमकाने के लिए, इतना महंगा सा एलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन, ठीक है। तो गाइज इसके बारे में जान लो आप लोग, एडिंग या यूजिंग लिख लो, कोई बात नहीं, यूजिंग और रिमूविंग प्रीपोजिशन, यूजिंग रिमूविंग ऑफ प्रीपोजिशन इज कॉल्ड एलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन, एडिंग और यूजिंग और रिमूविंग प्रीपोजिशन इज कॉल्ड एलिप्सिस ऑफ प्रीपोजिशन,
हाँ जी ठीक है, लिखो एक और स्टेटमेंट लिखो, इसमें मैं हिंदी में बोल देता हूँ, लिख लो आप लोग, इसमें सेम प्रपोजिशन की रिपीटेशन को अवॉइड करते हैं या रिमूव करते हैं, लिखो ना, सेम प्रपोजिशन की रिपीटेशन को रिमूव करेंगे परंतु परंतु अलग अलग प्रपोजिशन के साथ, अलग अलग शब्दों के साथ, इसमें सेम प्रपोजिशन की रिपीटेशन को रिमूव करते हैं लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग प्रपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। पहला एग्जांपल है, ही वॉज कमिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दूसरा है, ही विल कम बाय बस और बाय ट्रेन। ही विल कम बाय बस और बाय ट्रेन। ठीक है, यू कैन You can बात है नहीं you can use this product in winters and in summer and in summer। He must agree with you and with your friends। अगला, He was aware and engaged in his work। He is senior and more experienced than you। He is senior and more experienced than you। ये कुछ examples हैं और इसी को हमें करना है। आओ देखो, गणेश के बारे में आओ चलो देखो भाई कह रहे गाइस। पहला, ही वॉज कमिंग विद हिज फ्रेंड्स एंड विद रिलेटिव। इसमें मैंने ये कहा गाइस कि अगर सेम प्रपोजिशन की रिपीटेशन हो रही है तो उसको रिमूव करेंगे, और रिमूव करेंगे बाद वाले को। विद हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव बोलोगे तो उसमें विद जो है दोनों के लिए एक ही बार यूज हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही विल कम बाय बस और ट्रेन। ठीक है, एक ही बार लगा लेंगे हम लोग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बस का यूज करते हैं, ट्रेन का। यू कैन यूज दिस इन विंटर एंड समर। ठीक है, यू मस्ट एग्री विद, ही मस्ट एग्री विद यू। ठीक है, एंड विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, सेकंड वाले को रिमूव कर देंगे, तो बार बार रिपीटेशन जो है इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, लेकिन यह वाला देखो, ही वॉज अवेयर एंड इंगेज इन। देखो इंगेज ना एक वर्ड है इसके साथ ना इन प्रपोजिशन आता है। ठीक है ना, लेकिन आपको पता है अवेयर के साथ एक अलग प्रपोजिशन आता है जिसका नाम है ऑफ। बी अवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। ठीक है ना, तो बी अवेयर ऑफ आएगा यहाँ पे क्योंकि इंगेज के साथ क्या रहा इन,
तो सेम प्रेपोजिशन की रिपीटेशन को अवॉइड करेंगे और अलग अलग शब्दों के साथ अगर जरूरी है तो अलग अलग प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। तो देखो यहाँ पे मोर एक्सपीरियंस या कंपैरेटिव डिग्रीज के बाद एक देन आ रहा है प्रेपोजिशन, तो यहाँ पे सीनियर के साथ क्या आएगा टू आएगा, क्योंकि मैंने कहा जिन शब्दों लास्ट में आयु आ रहा था उसका क्या आता है टू आता है। ठीक है, तो बस यही है एलिप्सिस ऑफ प्रेपोजिशन, बस इतना सही है। ठीक है, अब इसके जो बाकी के टॉपिक बच जाएंगे ना, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा इसका, काइंड्स, काइंड्स लिखवा दो ना। हाँ, तो काइंड्स ऑफ प्रेपोजिशन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।